हेलो प्रेप क्लास, गुड मॉर्निंग, वेलकम इनटू योर हिंदी क्लास। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके FA2 के एग्ज़ाम अब फिनिश हो चुके हैं और मोस्टली सभी स्टूडेंट्स ने जो है बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को किया है। वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी हुई कि जितनी मेहनत आपके पेरेंट्स ने आपके साथ की है, आपके टीचर ने की है, आपने जो है उसका रिज़ल्ट मतलब काफ़ी अच्छा दिया है। बहुत अच्छे से आप लोगों ने एग्ज़ाम को किया है, बहुत अच्छा मुझे लगा। वेरी गुड। तो अब हमारे जैसे कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो बेटा अब हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है ना, तो हम अब न्यू सिलेबस के साथ जो है अपना डेली वर्क करेंगे। हम कोई नई राइम सीखेंगे, नए अक्षर सीखेंगे, ठीक है, नए अक्षरों को लिखना सीखेंगे, उनसे नए नए शब्द बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो हम हिंदी में जो है पेज नंबर 87 तक कंप्लीट कर चुके थे, तो उसका 87 पेज हमने लास्ट किया था मोर की दावत। तो मोर की दावत तक हम कर चुके थे, जिसमें हमने ओ अक्षर को सीखा था और ओ की मात्रा को सीखा था, है ना। तो अभी उस चैप्टर का छोटा सा एक कंटेंट रहता है, उसके 2 पेजेस रहते हैं जो हमारे रह गए थे। तो मैम आज पहले आपको वो कंप्लीट कराएंगी, फिर आपको नेक्स्ट डे आपको न्यू राइम स्टार्ट कराएंगी, ओके। तो हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 88 के साथ। तो क्विकली ब्रिंग योर हिंदी बुक एंड ओपन पेज नंबर 88 क्विकली। तो निकाल लिया सबने पेज नंबर 88। अब देखो बेटा, इस पेज पर आपको कुछ अक्षर दिखाई दे रहे हैं, है ना, कुछ अक्षर दिखाई दे रहे हैं, जैसे म, न, क, ल, आ, ह, इस तरीके से बहुत सारे अक्षर हैं। तो आपको क्या करना है, आपको और दो जगह आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, एक आपके लेफ्ट हैंड साइड में और एक आपके राइट हैंड साइड में, है ना। तो आपको क्या करना है क्लास, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको खुद से आपको वर्ड्स बनाने हैं, इन अक्षरों को जोड़कर आपको खुद से वर्ड्स बनाने हैं, जैसा भी आपका मन करे। ज़रूरी नहीं है कि वो मीनिंगफुल हो, लेकिन आपको अक्षरों को जोड़ना आना चाहिए, मेन ये है मेरा मोटिव। तो आपको यहाँ पे खुद से अक्षरों को जोड़ना है और लिखना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में आपको पेरेंट्स की हेल्प लेनी है कि हमने कुछ तो वर्ड्स बना लिए हैं, मम्मी डैडी कुछ आप हमें बताइए कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और इन शब्दों से और इन अक्षरों से और कौन से नए शब्द बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैम आपकी थोड़ी सी हेल्प करने वाली हैं, जैसे हमने हिंदी की नोटबुक में किए थे ना बेटा, दो अक्षरों के शब्द, जैसे म और न को जोड़ा था हमने, म न मन, तो ऐसे सिंपल सिंपल वर्ड्स आप यहाँ लिखेंगे, कल कल, ऐसे ही कुछ भी बना सकते हैं, कल कल, हाँ, प और ल पल, ठीक है, ऐसे वर्ड्स को जोड़ जोड़ के सिंपल सिंपल वर्ड्स आप बनाएंगे। और एक नई बात, एक सेकेंड, जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आप जैसे आपको दिख रहा है आ औ और ओ दिख रहा है, तो आप इन अक्षरों का भी यूज़ कर सकते हैं और इनके साथ इनकी मात्राओं का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आ का भी यूज़ कर सकते हैं, आ की मात्रा का भी, ओ को भी यूज़ कर सकते हैं, ओ की मात्रा को भी यूज़ कर सकते हैं, औ को भी यूज़ कर सकते हैं और औ की मात्रा को भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो क, 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 कौवा, क, औ, कौ और आ, कौवा, ऐसे मैंने यूज़ किया ओ की मात्रा को, ठीक है। तो ऐसे ही आप आ, आ लिखा, आ के साथ म को जोड़ा आपने, आम, आम, ठीक है। तो आपको ऐसे जो है शब्द बनाने हैं, और लेफ्ट हैंड साइड आपको खुद से लिखने हैं, राइट हैंड साइड आपको पेरेंट्स की हेल्प से लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट पेज करेंगे। सॉरी, नेक्स्ट पेज नहीं, अब हम लोग, हाँ, नेक्स्ट राइम है आपकी मनी का समोसा, ठीक है, मनी का समोसा। इसमें क्या है, कुछ भी नया नहीं है, आपने जो ओ की, औ की और आ की मात्रा और ई की मात्रा सीखी है ना, ये उस इस राइम का मोटिव है कि आपको ये वर्ड्स जो हैं अब जोड़ जोड़ के आपको रीड करने आने चाहिए। तो आपको रीड करना है इनको जोड़ जोड़ के, ठीक है, आपको खुद से करना है ये वर्क। तो कैसे आपको रीड करना है, जैसे म, न, ई, मनी, क, अ, का, स, म, ओ, सा, अ, समोसा। तो हमारी राइम का नाम क्या हुआ, मनी का समोसा, ठीक है,
मा न ई मनी क ई की मा औस ई मौसी आई, मनी की मौसी आई, मा औस ई मौसी, स म ओस अ समोसा, ल आई लाई, मौसी समोसा लाई। म न ई मनी, म न मन, ह ई, जब भी बड़ी की मात्रा आए, ठीक है, आपके राइट हैंड साइड से जब भी की मात्रा आए तो उसकी साउंड ई होती है। मन मनी, मन ही मन, ल ल लल, च आचा ई, लल चाई। नमक नमक, न ह ई, नहीं है। म न ई मनी, चिल्लाई, ये टफ वर्ड है, तो पेरेंट्स ऐसे वर्ड्स में आप बच्चों की हेल्प करना, क्योंकि अभी इनको हाफ, जैसे आधा ल और पूरा ल वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो इनमें आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ओके क्लास, गॉट इट, आपको कैसे रीडिंग करनी है, आपको अक्षरों को जोड़ जोड़ के रीड करना है, ठीक है। तो कौन सी राइम हमने रीड की है, मनी का समोसा, मनी की मौसी आई, मौसी समोसा लाई, मन ही मन ललचाई, नमक नहीं है, मनी चिल्लाई, ठीक है। ये आपकी राइम है जो आपको रीड करनी है, और राइम को रीड करने के बाद हमेशा हम क्या करते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। तो चलिए जल्दी से करेंगे हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप अपनी मौसी के घर जाते हैं, तो आपकी मौसी के घर जाते हो तो क्या खाते हो, बताइए। रेज योर हैंड्स, किस किस की मौसी है। मेरी मौसी, हाँ मेरे पास तो मौसी है, आपके पास बताइए, बताइए है। ओके, सबके पास है, वेरी गुड। तो अब जब भी आप अपनी मौसी के घर जाते हैं, तो आपकी मौसी आपको क्या खाने को देते हैं, जल्दी से मम्मा को रिप्लाई करो इसका आंसर, बताया सबने, गुड। ओके नेक्स्ट है, आपका क्या, आपको क्या खाना सबसे अच्छा लगता है, तो अपने फेवरेट फूड का नाम बताइए मम्मी डैडी को जल्दी से, वेरी गुड। और मैम को भी बताना, जब मैम आपसे जूम मीटिंग होगी ना, जब मैम आपसे ये क्वेश्चन पुटअप करेंगे, फिर आपको इनके आंसर मैम को भी बताने हैं, ठीक है। ओके अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनी से मिलने कौन आया, मनी से मिलने कौन आई थी, नया नई नानी या म औसई मौसी, कौन आई थी, मौसी। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, मौसी, म औसई मौसी क्या लाई। अब मौसी क्या लाई थी रीड करो, प ओ ह अ पोहा, य स म ओ स अ समोसा, तो क्या लाई थी मौसी, वेरी गुड, समोसा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, समोसा, समोसे में क्या नहीं था, वेरी गुड, सबको पता है क्या नहीं था, नमक। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, नमक। तो इस राइम के क्वेश्चन आंसर मैम आपसे पुटअप करने वाली हैं, कब, जूम मीटिंग में ट्यूसडे को। और क्वेश्चंस के साथ साथ आपको जो मैम ने राइम रीड कराई है, आपको मैम जो है आपसे इस राइम की रीडिंग भी करवाने वाली हैं। तो सबको क्या है, जूम मीटिंग में अपनी बुक के साथ, बुक को लेके बैठना है और मैम को रीडिंग करके सुनानी है कि आप इसकी रीडिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आज का आपको होमवर्क है हिंदी का, आई होप आप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। तो आपको ये वर्क करना है और मैम को सेंड करना है। ओके क्लास, बाय बाय बेटा, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।